दोस्तों आईपीएल में विराट कोहली इसके साथ ही कायरन पोलार्ड, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी जैसे प्लेयर रहे जिन्होंने एक फ्रेंचाइजी के लिए अपना पूरा यहाँ पर आईपीएल का करियर, पूरा क्रिकेटिंग करियर यहाँ पर खेला है। लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर पैसों के लालच के चलते हुए यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने यहाँ पर थोड़े ज़्यादा पैसों के लालच में अब तक आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया। मैं इस वीडियो में आपको उन 3 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पर ज़्यादा पैसों के लालच में आखिर अपनी टीम को छोड़ा, जिस टीम से उन्होंने शुरुआत करी थी उस टीम को यहाँ पर छोड़ा है। तो आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो कुल मिलाकर काफी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों अब हम बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की जिन्होंने यहाँ पर थोड़े अधिक पैसों के लालच में उन टीमों को छोड़ दिया जहां से उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत करी थी। तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है राशिद खान का। दरअसल राशिद खान को हैदराबाद की टीम ने यहां पर पिछले आईपीएल एडिशन से पहले यानी मेगा ऑक्शन से पहले यहां पर 12 करोड़ में रिटेन करने का फैसला लिया था। हैदराबाद की टीम ने यह कहा था कि पहले यहां पर रिटेन प्लेयर विलियमसन होंगे, उनको 15 करोड़ सैलरी मिलेगी, राशिद खान को 12 करोड़ सैलरी मिलेगी। लेकिन राशिद खान ने यह कहा था कि इतने कम पैसों में इस टीम में नहीं टिकेंगे, जहां पर राशिद खान को यहां पर हैदराबाद ने ही आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया था। 2016 में हैदराबाद ने इनको आईपीएल में मौका दिया था, लेकिन राशिद खान ने यहां पर यह बताया था कि ये कम से कम 15 करोड़ रुपए लेंगे, अदरवाइज ये हैदराबाद में स्टे नहीं करेंगे, हैदराबाद की टीम को ये छोड़ेंगे। तो केवल 3 करोड़ के लालच में इन्होंने हैदराबाद की टीम को छोड़ दिया था और गुजरात की टीम ने 15 करोड़ का इनको ऑफर दिया तो गुजरात में ये चले गए थे। तो कुल मिलाकर राशिद खान ने जिस फ्रेंचाइजी से यहां पर शुरुआत करी थी उस फ्रेंचाइजी को कुछ पैसों के लालच में ये छोड़कर चले गए थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे नंबर पर नाम आता है केएल राहुल का। दरअसल केएल राहुल को पंजाब ने लगातार पिछले 3 सालों से यहां पर 15 करोड़ में रिटेन किया था, लेकिन पिछले मेगा ऑक्शन में यहां पर केएल राहुल ने यह बताया था कि ये 15 करोड़ में इस टीम में रिटेन नहीं होंगे, इनको और भी अधिक पैसे चाहिए। हालांकि बीसीसीआई ने नियम बना रखा कि एक टीम मैक्सिमम 15 करोड़ में प्लेयर को रिटेन करेगी और अगर और पैसे देगी तो उन टीमों के पर्स से वो पैसे कट होंगे। तो कुल मिलाकर अगर पंजाब की टीम इनको और पैसे देती तो पंजाब को एक स्क्वाड बिल्ड करने में काफी अधिक यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसी वजह से यहाँ पर पंजाब ने तो इनको 15 करोड़ से ऊपर पैसे देने से मना कर दिया था, लेकिन लखनऊ की टीम ने इनको 17 करोड़ का प्रपोजल दिया था। तो केएल राहुल यहाँ पर लखनऊ की टीम में चले गए थे, यहाँ पर 2 करोड़ के लालच में इन्होंने पंजाब की टीम को छोड़ दिया था, जहाँ पर 2018 से पंजाब में यहाँ पर आए थे। पंजाब से इन्होंने ऑरेंज कैप जीता था, पंजाब में इनको कप्तानी मिली थी, वहां से भारतीय टीम में रेगुलर हुए थे। हालांकि पंजाब को छोड़ने के बाद करंटली इनका भारतीय टीम में भी फॉर्म अच्छा नहीं है, वहां से भी ये ड्रॉप होने के कगार पर आज की तारीख में पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर केएल राहुल ने भी यहां पर पैसों के लालच में अपनी फ्रेंचाइजी को यहां पर छोड़ दिया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है हार्दिक पांड्या का। दरअसल हार्दिक पांड्या ने यहां पर 2015 से मुंबई में आईपीएल की शुरुआत करी थी। शुरू में इनकी केवल यहां पर 50 लाख यहां पर प्राइजिंग थी, 50 लाख में शुरू के 2-3 साल इन्होंने मुंबई के लिए खेले थे, लेकिन इसके बाद इनको मुंबई की टीम ने यहां पर पिछले साल मेगा ऑक्शन में 12 करोड़ में रिटेन करने का फैसला लिया था। इवन जसप्रीत बुमराह और कायरन पोलार्ड से भी ज्यादा इनको पैसे देने की यहां पर मुंबई की टीम ने बातचीत करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 12 करोड़ में रिटेन होने से साफ मना कर दिया था। उन्होंने बताया था कि ये 15 करोड़ मुंबई की टीम से लेंगे, जो रोहित शर्मा को सैलरी मिल रही है वो सैलरी ये लेंगे और यहां पर इन्होंने कप्तानी की भी यहां पर मांग कर ली थी। हालांकि रोहित शर्मा से पहले इनको कप्तानी देना मुंबई के लिए सही नहीं था, तो मुंबई ने इनको यहां पर 12 करोड़ से ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया। तो हार्दिक पांड्या भी गुजरात की टीम में चले गए थे, वहां से इनको 15 करोड़ का प्रपोजल मिला था, तो 3 करोड़ रुपये के लालच में यहां पर ये गुजरात की टीम में चले गए थे। तो कुल मिलाकर इन 3 खिलाड़ियों ने अब तक आईपीएल इतिहास में पैसों के चक्कर में अपनी फ्रेंचाइजियों को यहां पर छोड़ने का फैसला लिया। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से आपको कौन से खिलाड़ी का बेकार फैसला लगा और कौन से खिलाड़ी का आखिर सही फैसला लगा, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।